नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की एक प्रॉब्लम है, वी ग्रूव और उसके बीच में एक स्फीयर पड़ा है इस तरह से। तो एक इस तरह का वी ग्रूव है और यहाँ पे एक स्फीयर पड़ा है। यहाँ पे हमें एंगल दिया है अल्फा और यहाँ पे दिया है बीटा, और ये जो इसका सेल्फ वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, जो कि हमें दिया है 100 न्यूटन। तो अल्फा की जगह और बीटा की जगह हम कोई एंगल मान लेते हैं। मान लीजिए ये एंगल है 60 डिग्री और बीटा जो एंगल है वो मान लीजिए वो है 45 डिग्री। तो हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे इस तरह के न्यूमेरिकल को? तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इसको फ्री बॉडी डायग्राम इसकी बनानी पड़ेगी। तो फ्री बॉडी डायग्राम इस स्फीयर की कैसे बनाएंगे? देखिए, जो ये कॉन्टैक्ट सर्फेसिस हैं ये क्या है, इन पे नॉर्मली रिएक्शन, ये जो सरफेस है स्फीयर पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। मान लीजिए ये R2 है, इसी तरह से 1 ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, मान लीजिए वो R1 है। अब देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, यानी कि ये कितना होगा, 90 होगा। तो इस तरह से आप इसको आगे ले लीजिए, तो ये इस तरह से यहाँ से जाएगी और ये क्या है, 90 है। जब आप इसको इस तरफ मिलाएंगे तो इससे मिलेगा, तो यहाँ पे अगर 90 है, ये 60 है, तो ये कितना बचेगा, ये 30 डिग्री बचेगा। अब ये 30 डिग्री बचेगा, यहाँ से आप एक वर्टिकल लाइन लगाइए इसी पॉइंट पे, और ये टोटल कितना होता है, 90। तो ये कितना होगा, ये होगा 60 डिग्री। तो देखिए इसको ध्यान से समझिए, ये 90 था, ये 60 था, तो ये कितना बच गया, 30। यहाँ पे वर्टिकल लाइन लगाएंगे तो ये टोटल तो 90 होगा, तो 30 तो यहाँ पे है, तो ये कितना बच गया, 60। यानी कि वर्टिकल लाइन और इस लाइन के बीच में कितना एंगल है, इसको वर्टिकल, इस ये जो W वाली है इसको वर्टिकल लाइन बना लीजिए। तो यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, ये होगा 60 डिग्री। तो पहला एंगल आप इस तरह से निकालेंगे। अब दूसरा एंगल देखिए, यहाँ पे कितना है, 45 डिग्री है, ये नॉर्मली एक्ट करेगी, यानी कि ये कितनी हो गई, 90। तो ये 90 हो गई, तो ये 90 है, ये 45 है, तो ये कितनी होगी, ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये 45 डिग्री होगा। इसी तरह से यहाँ पे आप वर्टिकल लाइन लगाएंगे, तो ये 45 है, तो यहाँ पे भी कितना बचेगा, यहाँ पर भी बचेगा आपका 45 डिग्री। तो इसी तरह से वर्टिकल और इस लाइन के बीच में, इस लाइन को आप आगे ले जाइए, जो कि है ये R1 है और ये क्या थी, R2 है, और यहाँ पे ये कितना एंगल बचेगा अब इन दोनों के बीच में, 45 डिग्री। तो इस तरह से आप जो ये दोनों एंगल हैं वो आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से एंगल निकालने के बाद देखिए, आपने ये एंगल निकाल लिया, तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं इसकी। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगी, R1 जो है वो इस तरफ है, R2 जो है वो इस तरफ है, और जो W है वो नीचे की तरफ है। ये एंगल कितना है, अब देखिए ये 60 है, ये 45 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा आपका। इसी तरह से जो आपका ये एंगल है ये कितना है, ये 90 डिग्री है, और ये एंगल ये कितना है, ये भी 90 डिग्री है। तो उसके बाद देखिए, ये 45 है और ये 60 है। अब आपको क्या एंगल चाहिए, इसके बीच का एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, और आप इसको आप इस तरह से कर लीजिए इस तरह से। अब देखिए आपको ये एंगल चाहिए, अब ये एंगल कितना था, ये जो एंगल था वर्टिकल और इसके बीच में 45 था, यानी कि ये एंगल आप कहाँ, यहाँ पे लिख लीजिए, ये एंगल जो है ये 45 डिग्री है। अब देखिए टोटल जो है, ये टोटल जो है, ये टोटल कितना है, 180 डिग्री है। तो 180 में से अगर आप इस 45 को घटा दें तो आपको क्या मिलेगा, ये एंगल मिल जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल मिल जाएगा, यही तो हमें निकालना है। तो 180 माइनस 45, इसको आप घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 135। तो इनके बीच का एंगल आ गया 135। इसी तरह से जो ये एंगल था, ये वाला एंगल था, ये वर्टिकल और इस लाइन के बीच में, इस लाइन और इस लाइन के बीच में कितना था, 60 डिग्री था। तो इसी तरह से ये टोटल कितना हो जाएगा, 180, और ये एंगल 180 माइनस 60। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 180 माइनस 60, यानी कि 120। तो इस तरह से भी आप इस एंगल को निकाल सकते हैं। तो कोई भी आप फॉर्मूला लगा के, जैसे ये आपने फॉर्मूला लगाया तो निकाल सकते हैं, तो कुछ भी आप इसके अंदर मेथड लगा के निकाल सकते हैं। अब आपके पास तीनों एंगल आ चुके हैं, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। अब आमने सामने वाले जो एंगल हैं उनके थ्रू आप लेमिस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ तीन फोर्सेस हैं और कंकरेंट फोर्सेस हैं। कंकरेंट फोर्सेस का मतलब एक ही पॉइंट पे वो मिल रही है, जो उनकी लाइन ऑफ एक्शन है। तो इसलिए आप लेमिस थ्योरम को इम्प्लीमेंट यहाँ पर लागू कर सकते हैं। तो लेमिस थ्योरम क्या रहेगी, R1 डिवाइड बाई क्या आएगा, R1 जो अदर दो फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल, यानी कि R2 और W के बीच का एंगल, साइन 120 डिग्री ये रहेगा। इसी तरह से R2 जो है वो क्या रहेगा, R2 डिवाइड बाय अदर दो फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है, 135। तो साइन 135
इसके बाद जो आपका W है, W आपका दिया है 100, तो 100 डिवाइड बाय जो R1 और R2 के बीच का एंगल है वो कितना है, 105, तो 105। तो इस तरह से देखिए, ये जो है यहाँ पे ये टर्म तो है, ये आप निकल ही जाएगी आपकी, यहाँ साइन 105 है, सॉरी साइन 105, तो यहाँ पे ये टर्म निकल जाएगी। अब इस टर्म और इस टर्म को लेके आप R2 निकाल लेंगे, इस टर्म और इस टर्म को लेके R1 निकाल लेंगे। तो इस तरह से देखिए, जो ये R1 है यानी कि जो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है और ये R2 है, ये दोनों निकल जाएंगी और आप इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था वी ग्रूव और जो स्फीयर की इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एंगल कैसे निकाल सकते हैं और उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।